हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन लेंगे, वो हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस देखूंगी, क्योंकि आप मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके मन में कुछ डाउट है कि मैं ये काम करूं या ये करूं, या ये कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करूं या ये करूं, या मैं ये इस चीज़ का जो है यूट्यूब चैनल ओपन करूं या इस चीज़ का करूं, या फिर मैं इस जॉब में जाऊं उस जॉब में जाऊं, या मेरा जो है एक्स पार्टनर वापस आएगा उसका वेट करूं या न्यू की तरफ जाऊं। कुछ ना कुछ तो आपके अंदर डाउट चल रहे हैं, उसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं और आपके माइंड में यही चल रहा है कि ये रीडिंग क्या मेरे को रेजोनेट करेगी कि नहीं करेगी। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आस्क योर एंजल्स। आप अपने एंजल से पूछिए, वो किस तरह से पूछेंगे। जब आप मेडिटेशन करेंगे तब आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाएंगे और अपने थर्ड आई पर ध्यान लगाएंगे और प्रे करेंगे कि एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए, मेरी हेल्प करिए कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है, तो आपको सही गाइडेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अ ईयर फ्रॉम नाउ। अगर आपके मन में डाउट है कि मेरा एक्स पार्टनर मेरी तरफ आकर के सब कुछ ठीक कर देगा या नहीं करेगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, मुझे एक्स की तरफ जाना चाहिए या नए की तरफ जाना चाहिए, या मुझे इस जॉब की तरफ उस जॉब की तरफ जाना चाहिए, तो आपको एक साल के बाद भी क्लियरिटी मिल जाएगी। आप जिस काम को करना चाहते हैं, जो आपकी अंतरात्मा कहती है या एंजल्स जो आपको गाइड करते हैं, वो उस काम को करिए और उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। लगभग एक साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है, डोंट स्टॉप, रुके नहीं, रुकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अगर आपके पार्टनर के लिए पूछ रहे हैं तो आपके पार्टनर आ जाएंगे आपकी तरफ, लेकिन बिल्कुल स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ आप देखें तो कम से कम एक साल का टाइम लग जाएगा। ठीक है, कभी ऑन ऑफ रहेंगे, कभी अच्छे से आपके साथ बिहेव करेंगे, ऐसे चलता रहेगा तो एक साल के बाद में आप देखेंगे कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। डोंट स्टॉप, रुके नहीं बिल्कुल भी, आगे बढ़ते रहें। जो भी काम कर रहे हैं उसमें रुके नहीं, आगे बढ़ते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट डेक से देख लेते हैं। सोल एक्सपेंशन, माँ अवतार बाबा जी जो है वो आपको कह रहे हैं कि सोल एक्सपेंशन का मैसेज दे रहे हैं कि आपकी कॉन्शियसनेस जो है वो एक्सपेंड होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग कनेक्शन को लेकर के, सभी लोगों के बीच में सभी वस्तुओं को लेकर के, सभी जीव जंतुओं को लेकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, उनके साथ जो कनेक्शन है वो भी इंक्रीज होगा। तो आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे आपकी सोल एक्सपेंशन होगी और उससे आपको नॉलेज मिलेगी और जिस जिसके साथ में आप जैसा बिहेव कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। या आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए। थर्ड पार्टी तो है आपकी लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बहुत फास्ट आपकी तरफ आने वाले, कम्युनिकेशन आपकी तरफ बहुत फास्ट आने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इतनी फास्ट आएंगे कि अगर आप कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे ना उनके साथ में तो लड़ाई झगड़ा भी होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन का दिल वहां पर लग नहीं रहा है और वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में गए हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे थर्ड पार्टी में रहना चाहिए या आपकी तरफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर धोखा देकर गए हैं आपको, इसीलिए उनका मन जो है वो उनके पास नहीं लग रहा है, थर्ड पार्टी के पास नहीं लग रहा है, उनका दिल नहीं मान रहा है, वो सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया है। इस वजह से जो है वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर के आ सकते हैं और हॉट टॉक्स भी होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, टावर की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में टावर आ सकता है, आपके इस रिलेशनशिप का बेस हिल सकता है, इसलिए सावधान होकर के ही आप कोई भी बात करें, बहुत ही सचेत रह करके कुछ भी शब्द बोलें, क्योंकि यहाँ पर टावर आने की पूरी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। फिर से आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि एक दो दिन से आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं गाइस की टावर आने की संभावना है, क्योंकि आपके पर्सन का दिल नहीं लग रहा है थर्ड पार्टी में। कुछ लोगों के पार्टनर गए थर्ड पार्टी में है, वहां पर उनके टावर आया है,
ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो होटॉक्स हुई हैं वहाँ पर, और वो इस वजह से आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए और क्या एनर्जी है। थर्ड पार्टी में आपके पर्सन है तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी से होटॉक्स हुई है, ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर की जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस चाहिए मुझे, तो जस्टिस चाहिए, किसी को जस्टिस दिया है तो मिल जाएगा आपको भी। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, कुछ बात आप लोगों के बीच में हुई होगी जिसको लेकर के वो अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि उनका लड़ाई कर लूँ, और कमिटमेंट भी देने की सोच रहे हैं। ठीक है, आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं जिसमें ग्रोथ और स्टेबिलिटी हो। आजकल आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो रही है, भाग भाग के थर्ड पार्टी में भी जाते होंगे लेकिन उनका दिल नहीं मान रहा है। उनका दिल तो कहता है कि आपको कमिटमेंट दे, ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आए, लेकिन आपके पर्सन जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करने लग रही है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आपके पर्सन और आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में, तो आपके पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे थर्ड पार्टी में रहना चाहिए या आपकी तरफ आना चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ टाइम लग गया होगा, लेकिन अभी आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ कम्युनिकेशन ला सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इससे क्या हो सकता है कि टावर आने की संभावना दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के पार्टनर के थर्ड पार्टी में टावर आया है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए जाग रही हैं, और अगर आपने एक भी शब्द बोला तो आपकी लाइफ में भूचाल आने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ में लड़ाई झगड़ा सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स को लेकर के भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट बहुत सारे लोगों का है। अगर आपने ये शब्द बोल दिए कि उनके फैमिली के लिए कि भाई आपकी फैमिली ने ये कर दिया वो कर दिया, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई का मतलब मुझे आसार दिखाई दे रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ठीक है, और आपके पर्सन जस्टिस मांग रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलिए और देखते हैं कि आपके लिए, आपके साथ में हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और कुछ फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, किसी का बर्थडे हो सकता है, आपके बच्चों का बर्थडे हो सकता है या वैसे पार्टी फंक्शन हो सकता है, परिवार में किसी को लेकर के किसी का बर्थडे या कुछ एंगेजमेंट मैरिज की संभावना मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ, इस दिन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो दिन आ गया है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपको कमिटमेंट मिलने की मुझे यहाँ पर पूरी संभावना दिखाई दे रही है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी की तरफ आपके पर्सन बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की नींव को मजबूत करना चाहते हैं जो बार बार हिल जाती है। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि मुझे ये सब कुछ ठीक कर देना चाहिए, और बार बार आपके पर्सन का माइंड चलता है तब बार बार जो है वो भागते हैं थर्ड पार्टी में। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी उनके दिल की आवाज़ उनको बार बार चीख चीख कर कह रही है कि अभी सब कुछ चेंज कर लीजिए, राइट टाइम है। ठीक है, इसीलिए उनका दिल जो कह रहा है वो उसको सुनने की कोशिश में है, और इसी वजह से हॉट टॉक्स होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका दो मन कर रहा है, एक मन तो उनका मतलब हार्ट तो कह रहा है कि सब चीज़ों को ठीक कर दीजिए, दूसरा जो है उनका माइंड ये कह रहा है कि नहीं फिर से धोखा मिल सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अपने इंट्यूशन की नहीं सुनती हैं तो उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े होने की संभावना दिखाई दे रही है, अगर वो अपने इंट्यूशन की सुनते हैं और अपने प्यार को दिखाते हैं तो आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आपके पर्सन आपको ही देखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपके साथ में नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, इसी वजह से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों सेम पेज पर आ रहे हैं अभी। ठीक है, इससे पहले एक पर्सन आगे बढ़ रहा था, दूसरा पर्सन पीछे रह रहा था, इसी वजह से आप लोगों के बीच में बैलेंस नहीं था, और बैलेंस ना होने की वजह से आपकी लाइफ में इतने सारी लड़ाई झगड़े चल रहे थे। अभी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इसी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ आकर के और एक हैप्पी फैमिली बनाने की सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने की भी सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इस दिन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, वो दिन आ गया है, अब उनको लग रहा है कि राइट टाइम मेरी ज़िंदगी में आ गया है, मुझे अभी सही डिसीजन ले लेना चाहिए,
लेकिन उनका माइंड ये कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं होगा और वो फिर से लड़ाई झगड़ा करेंगे और फिर से काम खराब हो सकता है। इसीलिए आपके पर्सन के माइंड में बार बार जस्टिस 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 को लेकर के बात उठ रही है कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, क्या मैं ऐसा करूंगा, क्या मैं झुकूंगा, क्या मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा तो क्या मेरे साथ जस्टिस होगा या फिर से सिचुएशन खराब हो जाएगी, इस तरह की मुझे यहाँ पर सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का माइंड जो है वो कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है और अभी कुछ दिल की आवाज सुन रहे हैं, कुछ माइंड की आवाज सुन रहे हैं, इसी वजह से हॉट टॉक्स होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको लाइफ में बड़े झटके मिले हैं, इसी वजह से वो आपके साथ में आकर के ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन तो करता है कि दुनिया को देख करके मैं भी अपने घर की जो है हालत को ठीक करूं, यानी कि जो अभी सिचुएशन बिगड़ी हुई है इससे सारे समाज को पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो आपके पर्सन को बहुत हर्ट हो रहा है, सभी की लाइफ को देख रहे हैं और अपनी लाइफ को देख रहे हैं, तो इसी वजह से आपके पर्सन चेंज होना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गाइज खुश हो जाइए, लेकिन ज़्यादा खुश होकर के मत दिखाइए क्योंकि सिचुएशन बिगड़ सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज और यूनिवर्स देना चाह रहा है। आपको कहा जा रहा है आंख बंद करके किसी पर भी विश्वास मत कीजिए, अभी थोड़ा टाइम लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, एकदम आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए, खुशियां आएंगी आपकी लाइफ में, सक्सेस आएगी। ठीक है, आप जो चेंज आ रहा है वो बेटर के लिए आ रहा है। देखिए जो भी चेंज आ रहा है ये कार्ड उसी को ही जो है बता रहा है कि जो भी चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है। ठीक है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके घर में बेबी जो है वो बर्थ ले सकता है अगर ऐसा टाइम है तो, या कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, ये गुड टाइम है, एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भी गुड टाइम है, आप कोई नए प्रोजेक्ट पर भी काम कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई डार्क हेयर्ड पर्सन है, काइंड हार्टेड है, फायर साइन का है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, तो वो जो है काफ़ी आपकी लाइफ में उसका रोल ज्यादा है। ठीक है, काफी स्पिरिचुअल पर्सन है वो जो आपके लाइफ में जो भी आपको एडवाइस दे उसको सुनेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है, एक पर्सन है टोरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, ये काफी अथॉरिटेटिव फिगर है, इसका स्टेटस हाई है, इसका इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ में आ सकता है, इनके वाइट बाल हो सकती हैं। ठीक है, और ये पर्सन जो है ये आपकी लाइफ में कुछ इंटरफेयर कर सकता है। टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, थोड़ा सा सावधान होकर के चलने के लिए आपको बोला जा रहा है, आप थोड़े से अपसेट हो सकते हैं किसी बात को लेकर के, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में दखलंदाजी कर सकता है। टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, आपको पता होगा कौन है टोरस वर्गो कैप्रिकॉन, और एक पर्सन है एरीज लियो सजिटेरियस। ठीक है, जो आपकी लाइफ में जो भी आपको एडवाइस देगा वो एडवाइस आपके लिए अच्छा काम करेगी। ठीक है, और जो टोरस वर्गो कैप्रिकॉन जो है ना वो आपकी लाइफ में थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए सावधान रहिए, खतरा है। ठीक है, तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।